Same preaching of Islam. Give an account of the way Prophet started to preach Islam in the first few years. इस तरीके का 10 marks का सवाल आ सकता है. सबसे पहले आपको introduction पता होना चाहिए, फिर silent teaching का open teaching. Introduction के अंदर हम ये बताएंगे कि Prophet को जब Prophet 40 years के थे, तो in one of the last odd nights of Ramzan, Prophet received the revelation in the new career of Prophet. Indeed, Quran was sent down in the night of power. जब उनको ये रेवलेशन की चीजें पता चलती हैं, तो वो बहुत ही जो उनके क्लोजेस्ट पर्सन होते हैं, क्योंकि अभी तक अल्लाह ताला की तरफ से ऑर्डर नहीं आया कि इस्लाम को प्रीच करो. अभी सिर्फ क्या भी है, वो मिल गई है. सिर्फ क्या मिल गई, रेवलेशन मिल गई और प्रॉफिटहुड का कैरियर मिल गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उसको प्रीच करना है. अब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. आपने रात को जा रहे थे, आप लोग जो है वो अपने रूम से आप निकले और फ्रिज पर गए, डिस्पेंसर पर गए और आपने पानी निकाला. अचानक आपको कोई जिन्नात दिख गया, सही है? अचानक कोई जिन्नात दिख गया, अब क्या होगा? होगा ये कि आप सबसे पहले अपने दोस्तों को बताएंगे, अपने दोस्तों को ये बात बताएंगे कि यार मैं रात को जा रहा था या जा रही थी, अचानक मुझे क्या मिल गया, जिन्नात मिल गया. आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. आप अपनी अम्मी को बताएंगे कि मुझे ऐसे जिन्नात दिख गया, मतलब एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. तो प्रॉफिट को अभी तक ऑर्डर नहीं मिला कि प्रीच करो, लेकिन प्रॉफिट के साथ जो ये इवेंट हुआ, प्रॉफिट ने अपनी फैमिली के साथ, देखिए आपको पता है सबसे पहले किसके साथ शेयर करा था, हजरत खदीजा के साथ. तो हजरत खदीजा वाज द फर्स्ट लेडी टू एक्सेप्ट इस्लाम. उसके बाद अच्छा बहुत सारी देखिए रिपोर्ट्स होती है, मैंने आपको बताया ना इस्लाम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स होती है. तो बहुत सारी रिवायतों में ये भी लिखा हुआ है कि वरका बिन नौफिल ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन बहुत सारी रिवायतों में लिखा है कि वरका बिन नौफिल ने इस्लाम कबूल नहीं करा था. तो ये देखें, ये भी कंफ्यूजन वाली बात है, लेकिन हम पेपर में नहीं लिखते. पेपर के अंदर वरका बिन नौफिल का नाम ही नहीं है कि इस्लाम कबूल करा या नहीं करा. हमें ये बताना चाहिए फर्स्ट लेडी कौन थी, हजरत खदीजा. फर्स्ट मेल कौन थे, फर्स्ट मेल थे हजरत अबू बकर. हजरत अबू बकर उनके बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड थे, तो उन्होंने जब अपना इंसिडेंट शेयर करा तो हजरत अबू बकर ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया. और प्रॉफिट का ये कॉल है कि व्हेन एवर आई इनवाइटेड समवन टुवर्ड्स इस्लाम दे शोड रिलक्टेंस, बट हजरत अबू बकर एक्सेप्टेड इस्लाम विदाउट एनी रिलक्टेंस, मतलब कोई भी रिलक्टेंस नहीं दिखाई और फौरन क्या कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया. तीसरी आपके पास कौन है, फर्स्ट मेल कौन है, फर्स्ट चाइल्ड कौन है, फर्स्ट चाइल्ड है हजरत अली टू एक्सेप्ट इस्लाम. हजरत अली इनके कजन थे, होली बहुत सारे होली प्रॉफिट के घर पे विजिट करते रहते थे. तो इसकी भी दो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्होंने कब इस्लाम कबूल करा कि हजरत खदीजा और होली प्रॉफिट नमाज पढ़ रहे थे छुपकर, अचानक होली प्रॉफिट आते हैं, अचानक हजरत अली आते हैं और अचानक हजरत अली देखते हैं कि उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया. किसने, नमाज पढ़ रहे हैं. तो हजरत अली होली प्रॉफिट से पूछते हैं ये आप क्या कर रहे हैं, तो होली प्रॉफिट उनको पूरी सारी चीजें बताते हैं कि नमाज है, मुझे न्यू कैरियर ऑफ प्रॉफिटहुड मिला है. लेकिन हजरत अली से वादा लेते हैं कि ये आप किसी को नहीं बताओगे, आप अबू तालिब को भी नहीं बताओगे. और हजरत अली उस वक्त क्या कर लेते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं. लेकिन अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स ये है कि जब वो सेकंड फीस्ट पे, जैसे अभी हम साइलेंट प्रीचिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे एक फीस्ट पे बुलाया था, एक दावत पे बुलाया था, उसमें हजरत अली ने इस्लाम कबूल करा. लेकिन हमें क्या लिखना है, हमें ये नहीं लिखना कि कब इस्लाम कबूल करा. हम जब वो फर्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें डिटेल में समझाऊंगा कि क्या सिनेरियो है. अच्छा, ये दो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन हम ये बताएंगे कि ही वाज द फर्स्ट चाइल्ड टू एक्सेप्ट इस्लाम, कजन थे तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया. फिर फर्स्ट स्लेव कौन थे, हजरत ज़ैद बिन हारिस. हजरत ज़ैद बिन हारिस अडॉप्टेड सन थे और हजरत खदीजा ने शादी पे क्या करा था, गिफ्ट दिया था होली प्रॉफिट को. तो हजरत ज़ैद बिन हारिस वाज द फर्स्ट स्लेव टू एक्सेप्ट इस्लाम. ये आपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में बताना है. In one of the odd nights of Ramzan, Prophet encountered Angel Jibreel and received new career of prophethood. Preach message कर रहे थे silently. Hazrat Khadija was the first woman to accept Islam. Hazrat Abu Bakr was the first man to accept Islam. Hazrat Ali was the first child to accept Islam. Hazrat Zaid bin Haris was the first slave to accept Islam. First few years उन्होंने बिल्कुल silently preaching करी और सिर्फ उनको preach करा जिसपे वो बहुत ज्यादा trust करते थे. और 10 blessed companions, most of the जो 10 blessed companions थे, उन्होंने क्या कर लिया था, Islam कबूल कर लिया था.
तो फर्स्ट फ्यू ईयर्स के अंदर 40 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, और उनमें जैसे 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत तला, हजरत जुबैर, हजरत सात बिन अबी वकास, इन्होंने क्या कर लिया था, इस्लाम कबूल कर लिया था। किसके कहने पर? होली प्रॉफिट के कहने पर और हजरत अबू बकर के कहने पर। तो शुरू के लोग उसमें 40 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये आपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बना दिया। दूसरा पैराग्राफ आपके पास है साइलेंट टीचिंग। आप ये बताएंगे कि होली प्रॉफिट को ऑर्डर आया एंड एडमोनिश योर नियरेस्ट किन्समैन, मतलब ये कि आप अपने लोगों को प्रीच करो, अपने रिलेटिव्स को क्या करो, प्रीच करो। तो वो क्या करते हैं कि वो एक इनवाइट करते हैं बनू हाशिम को, क्योंकि उनका क्लैन कौन सा था, बनू हाशिम। जब वो क्लैन बनू हाशिम को अब बुलाते हैं तो आप क्या बताएंगे, प्रॉफिट रिसीव्ड अ रेवलेशन एंड एडमोनिश योर नियरेस्ट किन्समैन, प्रॉफिट कॉल्ड बनू हाशिम टू हिज हाउस फॉर फीस्ट, अपने डिनर के लिए बुलाते हैं, प्रॉफिट उनको एड्रेस करते हैं, इनवाइट करते हैं टुवर्ड्स तौहीद, और क्या कहते हैं, कहते हैं कि आज तक कोई अरब इतना अच्छा मैसेज नहीं लाया होगा जितना अच्छा मैसेज मैं लाया हूँ। लेकिन बीच में कौन इंटरप्ट कर देते हैं, अबू लहाब, जो उनके चाचा होते हैं, और उनको मौका नहीं मिलता। सेकंड फीस्ट पर बुलाते हैं, जब वो सेकंड फीस्ट पर बुलाते हैं तो होली प्रॉफिट को मौका मिलता है, और होली प्रॉफिट बताते हैं कि अल्लाह एक है और मैं क्या हूँ, अल्लाह का नबी हूँ। उसपे क्या होता है कि उनको बहुत ज्यादा ओवरऑल रिस्पॉन्स जो मिलता है वो बहुत ज्यादा रूड मिलता है, और जब बहुत ज्यादा रूड मिलता है तो सब हंसना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ दो बंदे सपोर्ट करते हैं, एक हजरत अली और एक अबू तालिब। हजरत अली आगे आते हैं और कहते हैं कि मेरे पाँव तो इतने बड़े नहीं है, लेकिन मैं आपको सपोर्ट करूंगा, और जो आपका दुश्मन है मैं उसको क्या करूंगा, जो आपको सपोर्ट नहीं करेगा मैं उसका दुश्मन बन जाऊंगा। क्या कहते हैं, माई फीट मे नॉट बी बिग इनफ बट आई शैल सपोर्ट यू, एंड हूएवर ओपोजेस यू आई विल बी हिज मोर्टल एनिमी, मैं उसका जानी दुश्मन बन जाऊंगा। तो सब लोग हजरत अली के ऊपर हंसकर चले जाते हैं। तो इस तरीके से साइलेंट टीचिंग होती है, मतलब साइलेंट टीचिंग में भी अच्छा रूल नहीं मिलता। तो प्रॉफिट रिसीव द रेवलेशन एंड एडमोनिश योर नियरेस्ट किन्समैन, प्रॉफिट कॉल्ड बनू हाशिम टू हिज हाउस फॉर फीस्ट, प्रॉफिट एड्रेस इनवाइट करते हैं टुवर्ड्स तौहीद, कि नो अरब हैज ऑफर्ड टू हिज नेशन मोर ग्रेशियस एडवांटेजेस देन दोस आई ब्रिंग यू। अबू लहाब इंटरप्ट करते हैं, प्रॉफिट को चांस नहीं मिलता। नेक्स्ट डे फीस पर बुलाते हैं, प्रॉफिट को चांस मिलता है, इन्वाइट करते हैं टुवर्ड्स न्यू रिलीजन, इन्फॉर्म करते हैं प्रॉफिट उनके बारे में। ओवरऑल रिएक्शन बहुत ज्यादा रूट मिलता है, अबू तालिब और हजरत अली अच्छा रिएक्शन देते हैं, और क्या कहते हैं, हजरत अली आई एम यंगेस्ट ऑफ यू, माई फीट मे नॉट बी स्ट्रॉन्ग इनफ बट ओ मोहम्मद आई विल बी योर हेल्पर एंड हूएवर ओपोजेस यू आई विल बी हिज मोर्टल एनिमी। अब हमारे पास है ओपन प्रीचिंग। ओपन प्रीचिंग के अंदर आप क्या बताएंगे कि जब हमारे पास 3 इयर्स की साइलेंट प्रीचिंग हो जाती है तो अल्लाह ताला का ऑर्डर आता है, एक्सपाउंड ओपनली व्हाट यू आर कमांडेड एंड टर्न अवे फ्रॉम दोस हु जॉइन फॉल्स गॉड्स विद अल्लाह। तो हमारे पास क्या है कि ओपन प्रीचिंग के अंदर आपने ये बता दिया। अब उस जमाने के अंदर जूम तो था नहीं कि जूम की मीटिंग करते, उस जमाने में फोन तो था नहीं, तो हुआ ये कि और ना ही माइक होता था। तो उस जमाने के अंदर क्या हुआ कि लोगों को जब भी कोई अनाउंसमेंट करनी होती थी तो वो माउंट सफा पर या किसी पहाड़ पर जाते थे। तो प्रॉफिट माउंट सफा पर गए, लोगों को बुलाया, लोगों को जब बुलाया और कहा कि इफ आई से यू दैट देयर इज एन आर्मी वेटिंग टू रेड यू, वुड यू बिलीव मी, क्या मुझ पर बिलीव करोगे कि मैं कहूँ कि एक आर्मी हिल साइड के पीछे तुम लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए खड़ी है। तो सब कहते हैं कि हम आपके ऊपर बिलीव रखेंगे क्योंकि यू आर सादिक, आपने कभी झूठ नहीं बोला। तो उसपे प्रॉफिट पर कहते हैं कि मैं क्या हूँ, आई एम अ वार्नर बिफोर अ सेवियर टॉर्मेंट, मुझे अल्लाह ताला ने ऐसा वार्नर भेजा है और मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ, मैं आप लोगों की हेल्प करने आया हूँ और मैं आप लोगों की मदद करने आया हूँ यहाँ पर। तो आप लोग क्या करें कि मेरी बात को गौर से सुने, तौहीद पे लीफ लाए कि अल्लाह एक है, मैं क्या हूँ, प्रॉफिट। तो ओवरऑल रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा रूड मिलता है और अबू लहाब प्रॉफिट को लानत देते हैं, और लानत देकर क्या कहते हैं कि ओ हैव यू कॉल्ड अस फॉर दिस, मे यू पैरिश फॉर एवर, तुमने हमें इसके लिए बुलाया था, मे यू पैरिश फॉर एवर। जब वो ये कहते हैं तो अब होली प्रॉफिट को बहुत बुरा लगता है, लेकिन सूरह लहाब आती है उनको कंसोल करने के लिए, और उसमें फरमाया जाता है कि तुम पैरिश नहीं होगे मोहम्मद, बल्कि पैरिश वो होगा जिस हाथों से अबू लहाब ने बतवा दी। तो उसके बाद आपने ये बताना है कि होली प्रॉफिट को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स रूट मिलता है, लेकिन बहुत ही घटिया रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन होली प्रॉफिट पहाड़ से उतरते हैं और पहाड़ से हर किसी को प्रीच करते करते जाते हैं, और अप्रोक्सीमेटली 200 लोग क्या कर लेते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं सर, वॉज इस्लाम स्प्रेड ओपनली व्हेन हजरत उमर एक्सेप्टेड इस्लाम, जी बेटा हजरत उमर 50th कन्वर्ट थे उस वक्त, लोग लेकिन डरते थे कि प्रॉपरली ओपनली नहीं करते थे, हजरत उमर के लिए दुआ करी थी तो हजरत उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन हजरत उमर के बाद जो है वो हम प्रॉपर ओपनली करते थे। सही है, ओपन प्रीचिंग, प्रॉफिट के जो है वो रेवलेशन क्या भी रिसीव भी, एक्सपाउंड ओपनली व्हाट यू आर कमांडेड एंड टर्न अवे फ्रॉम दोस हु जॉइन फॉल्स गॉड्स विद अल्लाह, प्रॉफिट वेंट ऑन माउंट सफा कॉल्ड मक्कन्स, प्रॉफिट ने कहा इफ आई टेल यू देयर इज एन आर्मी वेटिंग टू रेड यू वुड यू बिलीव मी, कुरैश ने रिप्लाई किया यस वी हैव ऑलवेज विटनेस ट्रुथ फ्रॉम यू, प्रॉफिट ने इनवाइट करा टुवर्ड्स इस्लाम, इन्फॉर्म प्रॉफिट, प्रॉफिट ने कहा आई एम अ वांटेड टू यू बिफोर अ सेवियर टॉर्मेंट, अबू लहाब ने कहा मे यू पेरिश, हैव यू कॉल्ड अस फॉर दिस,
प्रॉफिट ने कंटिन्यू करा इनविटेशन टुवर्ड्स इस्लाम एंड ओपन प्रीचिंग में 200 लोगों ने क्या कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया। तो जब भी आपके पास प्रीचिंग ऑफ इस्लाम पे सवाल आएगा तो आप कितने पैराग्राफ्स बनाएंगे, 3, इंट्रोडक्शन, फिर साइलेंट प्रीचिंग एंड देन ओपन प्रीचिंग। तो मुझे जल्दी जल्दी ये बात बताएं कि आप लोगों को ये समझ आया या फिर समझ नहीं आया या कोई कंफ्यूजन है। ओके बेटा, अब देखें इसका हमारे पास सवाल क्या है। Give an account of the main events of the prophet's preaching up until the public declaration on Mount Safa. अब बच्चा इसमें ये कंफ्यूज हो जाता है, सर अप अंटिल लिखा हुआ है तो मुझे पब्लिक डिक्लेरेशन लिखनी है या नहीं लिखनी। बेटा सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन लिखने मतलब इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, किस किस ने इस्लाम कबूल करा, उसके बाद आपने साइलेंट प्रीचिंग वाला पैराग्राफ बनाया और देन आपने ओपन प्रीचिंग भी बतानी है। जैसे मैंने आपको कंपाइलेशन ऑफ कुरान के अंदर बताया था ना कि आफ्टर प्रॉफिट डेथ के अंदर भी हमें प्रॉफिट वाली कंपाइलेशन लिखनी होती है, वैसे जब अप अंटिल पब्लिक डिक्लेरेशन ऑन माउंट सफा आए तो आपने पब्लिक डिक्लेरेशन बतानी है। सही है, मार्किंग स्कीम देख लीजिएगा, इसीलिए कह रहा हूँ पास्ट पेपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। हाउ डिड इस्लाम ग्रो इन द ईयर्स बिटवीन, अब बच्चा बोलता है सर बिटवीन बोला तो इसका मतलब ये है कि हमें बीच की कहानी बतानी है कि फर्स्ट रेवलेशन के बाद जो प्रीचिंग भी और पब्लिक प्रीचिंग से पहले की जो भी, लेकिन इसमें भी आपने पब्लिक प्रीचिंग बतानी है। फिर एक सवाल आया, गिव एन अकाउंट ऑफ द वे इन व्हिच द प्रॉफिट स्टार्टेड टू प्रीच इस्लाम इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स आफ्टर ही बिगन टू रिसीव रेवलेशन, तो इसमें भी आपने तीनों ही बताने हैं, सेम एज क्वेश्चन नंबर वन। मार्किंग स्कीम्स आप लोग देख सकते हैं, देखें हमें तो पता है ना, हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चा क्या होता है पास्ट पेपर जब प्रैक्टिस नहीं करता वो सिर्फ समझता है कि हाँ मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है तो वो क्या करता है एग्जामिनर की बातों पर नहीं उतर पाता। सही है, तो ये हमारे पास 10 मार्क्स के सवाल थे, अब हमारे पास है 4 मार्क्स के सवाल। सबसे पहले ये है, वॉज इट सिग्निफिकेंट दैट द प्रॉफिट बिगन प्रीचिंग द मैसेज इन सीक्रेट, क्या ये सिग्निफिकेंट था, क्या इसकी इंपॉर्टेंस थी कि प्रॉफिट ने सीक्रेटली प्रीच करा। तो आप ये कहेंगे ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट था। सर ये बहुत ज्यादा क्यों सिग्निफिकेंट था, क्योंकि सबसे पहले प्रॉफिट डिवाइन ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे और डिवाइन ऑर्डर्स के अंदर था एंड एडमोनिश योर नियरेस्ट किन्समैन, बाद में 3 साल की साइलेंट प्रीचिंग के बाद आया था एक्सपाउंड ओपनली व्हाट यू आर कमांडेड, तो वो अल्लाह ताला के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। दूसरा ये है कि देखें अगर फॉर एग्जाम्पल मैं डायरेक्टली अगर मैं कोई बहुत बड़ा स्टेप ले लूं, देखिए मैं अगर फॉर एग्जांपल एक कोचिंग खोलता हूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं एक कोचिंग खोला मैंने, सही है, मैंने कोचिंग खोलने से पहले क्या करा, मैंने एक जमाने के अंदर प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाए, प्राइवेट ट्यूशन की बनाने के बाद मैंने अपनी मार्केट क्या करी, जनरेट करी, मार्केट जनरेट करने के बाद डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ाया, देन अपना कोचिंग खोला। इसी तरीके से अगर प्रॉफिट को सबका सपोर्ट लेना है तो पहले अपने करीबों का सपोर्ट लेना होगा, थोड़े थोड़े लोगों का सपोर्ट लेना होगा। तो इस वजह से प्रॉफिट ने सबसे पहले किसको प्रीच करा, जो उनके क्लोजेस्ट थे, ताकि जब उनका सपोर्ट होगा तो क्या होगा, जिंदगी आसान हो जाएगी। तीसरा क्या है कि आप ये बताएंगे कि एडवानिश योर नियरेस्ट किन्समैन बनू हाशिम वाला ही क्या कि अल्लाह ताला की तरफ से ऑर्डर था, और आप ये बताएंगे कि अगर वो बनू हाशिम को ले लेते तो उससे उनको क्या मिल जाती, ट्राइबल प्रोटेक्शन, क्योंकि अगर अबू तालिब का सपोर्ट आ गया तो ट्राइबल प्रोटेक्शन मिल जाएगी, तो कोई अटैक नहीं कर पाएगा होली प्रॉफिट को। दूसरी बात ये कि अगर वो साइलेंट प्रीचिंग में जैसे फॉर एग्जाम्पल 20 बंदे, क्योंकि उनको पता था ओपन प्रीचिंग में तो पूरा रिस्पॉन्स आना है, क्योंकि वर्का बिन नौफिल फर्स्ट रेवलेशन में बता चुके थे, तो अगर वो कम बंदे होते से वो एक जाते ओपनली प्रीच करने तो उनको क्या पता मार दिया जाता। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी टीम बनाई 40 बंदों की, ताकि वो पर्सिक्यूशन और क्या हो, आसानी हो, लोग उनको पर्सिक्यूट ना करें, लोग उनको मारे नहीं, तो ये सारी चीजें, तो इसलिए सिग्निफिकेंट था। यस इट वॉज सिग्निफिकेंट दैट प्रॉफिट स्टार्टेड प्रीचिंग इन सीक्रेट, फर्स्टली द प्रॉफिट वॉज फॉलोइंग डिवाइन ऑर्डर्स टू बिगिन हिज कैरियर ऑफ प्रीचिंग बाय डूइंग इट सीक्रेटली, सेकंड प्रॉफिट वॉज वॉन्टेड टू स्टार्ट हिज मिशन बाय कन्विंसिंग हिज क्लोजेस्ट, ही न्यू दैट टू डील विद द ऑपोजिशन ऑफ पब्लिक one needed support of his closest. Thirdly, he wanted to convince his tribe Banu Hashim, which was also the order of Allah, and admonish your nearest kinsman. He wanted to attain protection from his tribe, as without tribal protection, his life could easily be threatened. Lastly, he wanted to gain strength in numbers by preaching secretly, so if Quraysh would be aggressive, he along with his supporters could stand against Quraysh with determination. तो ये आपके पास एक सवाल आया, और ये एक ही दफा आया। इसी तरीके से आपके पास एक और सवाल आया, What do the prophets struggle in these early years? अब ये कौन से early years की बात हो रही है? Preaching. क्योंकि A part आपका किससे related होता है? B part से related होता है. About dealing with their own difficulties. तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि सबसे पहले प्रॉफिट जो है वो अपना मैसेज ओपनली तो प्रीच कर नहीं सकते थे,
तो जब वो उन्होंने अपना पैसेज अपने अंदर ही वो करा तो उसमें क्या हुआ कि उनको रिजेक्ट कर दिया गया, उनके लोग उनके खिलाफ हो गए सिवाय अबू तालेब एंड हजरत अली। तो हमें इससे क्या सीखने को मिलता है, हमें इससे सीखने को ये मिलता है कि अगर हमें जिंदगी में रिजेक्शन मिले, मैं आपको अपनी एग्जाम्पल दूं, एक जमाने के अंदर मैं जब स्कूल दौर के अंदर अप्लाई करता था तो मुझे इस बात पे रिजेक्ट कर दिया जाता था कि आप जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हर स्कूल कॉन्टेक्ट करता है खुद कि भाई आप हमारे पास एज अ विजिटिंग फैकल्टी आ जाएं। तो हमारे पास क्या है कि रिजेक्शन मिले आपको दुनिया के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आपका पहला टेस्ट है, पहले टेस्ट के अंदर आप फेल हो गए, पहले टेस्ट के अंदर आप फेल हो गए तो आपने ये नहीं समझना कि आपको रिजेक्शन हो गए, या फिर आपने उससे सीखना है। तो होली प्रॉफिट की लाइफ में रिजेक्शन आई तो उन्होंने उसको रिजेक्शन को ऐसा मोटिवेशन लिया और उसको क्या रखा, कंटिन्यू रखा। तो हमें एक चीज, जो चीज हमें पता है कि यार ये चीज सही है तो हमें उस पर क्या रहना चाहिए, सही रहना चाहिए, उस पर टिका रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने डायरी रखी, मेरे घर वालों ने कहा कि यार ये इस जमाने के हिसाब से डायरी आप गलत रख रहे हो, आप डायरी नहीं रखो, सही है। मेरे घर वालों ने बोला डायरी काट दो, मैं डायरी नहीं काटूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जो मैं कर रहा हूँ वो क्या है, सही। होली प्रॉफिट की भी फैमिली ने उनको सपोर्ट नहीं करा लेकिन उनको पता था जो मैं सही कर रहा हूँ वो सही है। दूसरी चीज क्या है कि आपके पास अगर आप फॉर एग्जाम्पल हिजाब कर रहे हैं, तो हिजाब जब कर रहे हैं तो आप उसके अंदर क्या बताएंगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल हिजाब कर रहे हैं, आपकी फैमिली ने आप लोगों को कहा कि हिजाब नहीं करें, ये मॉडर्न एरा के खिलाफ है, ये मॉडर्न एरा के अंदर हिजाब हिजाब कुछ नहीं होता, ये सारे पुराने वो है, आपने फिर भी क्या करा, हिजाब करा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रॉफिट की इस चीजों को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट को पता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, वो अल्लाह की राह पर लेकर जाएगा, तो इसलिए हमें उस चीज पे क्या करना चाहिए, वो रहना चाहिए। फिर ये है कि अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे प्रॉफिट को ओपनली प्रीच करने नहीं जा सकते थे, प्रॉफिट को दादा कि मैं ओपन तो मुझे परसिक्यूट किया जाएगा, तो अगर मुझे ये डर है कि मुझे लोग मार देंगे तो मैं शुरू के अंदर क्या करूं, उसको सीक्रेटली करूं। जैसे अगर मुझे ये डर है कि अगर मैं नमाज पढ़ूंगा तो मेरी अम्मी मुझे मारेगी, सही है। वैसे तो आपको हुक्म है कि अगर आपकी अम्मी को कभी भी आप लोग अम्मी अब्बू के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन अगर वो आपको इस्लाम फॉलो करने से रोके तो आप उनके खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी अम्मी कह रही है कि कुरान तुम कैसे पढ़ रहे हो, मेरी अम्मी थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, सही है। अब मेरी अम्मी मुझे ये कह रही है कि नमाज कैसे पढ़ रहे हो, तिलावत कैसे कर रहे हो, तो मैं तिलावत छुपके कर लूं, जैसे मैंने कमरा बंद करा, मैंने कमरा बंद करके कहा कि मैं जो है वो क्या कर रहा हूँ, मैं एक ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, और मैंने साथ में कुरान पढ़ लिया, छुपके पढ़ लिया, कि मुझे डर है कि अगर मैं ओपनली करूंगा तो मुझे फ्लाइंग चप्पल आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अपनी चीजों को सीक्रेटली कर रहा हूँ, तो ये चीजें मैं सीखता हूँ। द प्रॉफिट वॉज नॉट एबल टू प्रीच दिस मैसेज ओपनली एंड इवन व्हेन ही डिड ही वॉज रिजेक्टेड एंड ट्रीटेड बैडली। सम लेसन्स कुड बी दैट मुस्लिम शुड रियलाइज दैट दे शुड स्टिक टू व्हाट दे बिलीव इन इवन इफ दे आर फाइंडिंग इट हार्ड टू डू सो, स्पेशली इफ दे बिलीव व्हाट दे आर डूइंग इज गुड एंड इज व्हाट गॉड आस्क्ड फ्रॉम देम। फॉर एग्जाम्पल कुलीग्स मे नॉट वॉन्ट अ मुस्लिम टू प्रे ओपनली और वेयर हिजाब, बट दे शुड ट्राई देयर बेस्ट टू स्टिक टू इट एंड कीप देयर बिलीफ स्ट्रॉन्ग। दे कुड ऑल्सो लर्न दैट देयर आर टाइम्स व्हेन दे डू नॉट हैव टेल पीपल व्हाट दे आर डूइंग, स्पेशली इफ दे फियर दे विल कम टू हार्म, एंड सो इट इज एक्सेप्टेबल फॉर देम टू डू देयर गुड एक्शंस इन सीक्रेट। एन एग्जाम्पल कुड बी व्हेन मूविंग टू अ न्यू कंट्री अ पर्सन कैन कीप देयर फेथ हिडन टू पर्सिक्यूशन। इसमें आप डेली लाइफ की भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं बहुत सारी आपके पास। अब सवाल बच्चों का ये आता है कि सर ये गलत हो जाता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक बैंक है मिजान बैंक, मिजान बैंक के अंदर हिजाब फॉलो होता है, एक बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, उसमें हिजाब फॉलो नहीं होता। अब एक लेडी है उसको जॉब की जरूरत है, उसको मिजान में जॉब नहीं मिली, कहाँ पर जॉब मिल गई? अब इस पे मैं बहस नहीं करूंगा सर बैंक में जॉब करना चाहिए या नहीं, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ उसको समझिएगा। एक वुमेन थी उनको जॉब मिल रही थी, उनको जॉब ये मिल रही थी कि भाई आप किस पे कर सकते हो, आप जो है वो हिजाब पे, आपको हिजाब नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ ऐसे हैं। लेकिन उन्होंने क्या करा, मैं एटलीस्ट क्या पहनूंगी, स्कार्फ पहनूंगी। तो उसपे क्या हुआ कि वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करे लेकिन वो अपनी चीज को प्रॉपर तरीके से नहीं छोड़ रही, और जैसे ही वो उस बैंक से निकलती थी वो क्या कर लेती थी, हिजाब कर लेती थी। तो हमारे पास ये है कि हमें चीज को फॉलो करना है बस, अगर वो चीज सही है। तो मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि ये दोनों 4 मार्क्स समझ आए या नहीं समझ।